चलिए दोबारा कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी ओ सईदा अस्मा शाह बुखारी, और मेरे साथ हमेशा की तरह हमारी एक्सपर्ट समीना अशरफ मौजूद होती हैं। अस्सलामु अलैकुम जी। और समीना एक बहुत ज़बरदस्त सोशोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और इसके अलावा समीना का सोशल वर्क में बहुत काम है। लेकिन आज हम इनके सोशल वर्क के काम के हवाले से इनसे बात नहीं करेंगे। मैं इनसे छोटा सा सवाल करना चाहती हूँ कि वुमन को पाकिस्तान में अगर एम्पावरमेंट मिल जाती है, यानी वो कुछ उनको पैसे मिल जाते हैं, कुछ ऐसे मिल जाते हैं, तो क्या ये उनके लिए बेनिफिशरी रहेगा, या उन पर जुल्मों से तम कम हो जाएगा, या वो बेबाक हो जाएंगी? क्या आपके सबीना आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या स्टेजेस हो, क्या होना चाहिए? जी मेरे ख्याल में ये बहुत आगे का सवाल है। उससे पहले तो हमें ओवरऑल अपना जो है एजुकेशनल लेवल ऑफ वुमेन एंड मेल्स वो ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर कम होगा तो नेचुरली अगर ख्वातीन ही को आप करेंगे, वो खातून जिसको वो पैर की जूती मानते हैं, और जब लाइक पुराने ज़माने में या इवन जो विलेज बैकग्राउंड के अभी भी वो कहते हैं कि मंगल के मंगल वो खाना देती थी और साथ में डंडा भी रखती थी कि अगर तुम्हें नमक ज़्यादा लगता है मियाँ साहब तो मारो भी, ठीक है। तो वो उस माशरे के अंदर हम डायरेक्टली उनको एम्पावर कर दें तो दैट वुड बी अ केओस।